हम जा रहे हैं गांधीनगर मार्केट, जो कि लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ पे आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन देंगे, मार्केट दिखाएंगे कि रियल में जो है कितना परसेंट खुला है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और ये देख सकते हैं, ये है लक्ष्मी नगर का एरिया। सड़क पे रश जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पे क्या मतलब पूरी दिल्ली में जो है ज़्यादा है, बट हम मार्केट का जो है रश देखेंगे, मार्केट में भीड़ देखेंगे, मार्केट में दुकानें जो है कितना परसेंट खुला है। और हाँ, आप लोगों से एक शिकायत भी है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब तो कर चुके हैं, बट वो बेल का आइकॉन चेक करें, उस पर ना ऑल सेलेक्ट करें, उसे प्रेस करना ज़रूरी है, ताकि मेरा वीडियो का हर नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। चले स्टार्ट। तो आखिरकार जो है हम पहुंच चुके हैं गांधीनगर दिल्ली, और ये जो है गांधीनगर का पुस्ता एरिया है। देख सकते हैं ये मेन रोड है, और मेन रोड पे जो है यहाँ नीचे जो है मार्केट में जाने की जगह है, और ये सभी दुकानें जो है खुली होती थी, हालांकि OD1 के हिसाब से यहाँ पे खुल रहे हैं, यानी 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, तो दूसरे दिन जो है 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, और कुछ दुकानें यानी शुरुआत में जो है लगभग 10 दुकानें खुली हुई है। तो ये देखिए मार्केट जो है खुला हुआ है OD1 के हिसाब से, थोड़ा सा आप देखिए मार्केट का हिसाब, लेकिन यहाँ पे जो बाहर के व्यापारी हैं वो नहीं आए हैं। मार्केट का भीड़ वगैरह आप देख सकते हैं, मतलब कैसा है, जो लोकल रहते हैं क्योंकि आते हैं यहाँ पे लेने के लिए, लेकिन जो दूर है ना वो क्या है पार्सल से काम चलता है उनका। तो कुछ गली मैं आपको दिखाऊंगा, एक गली ये भी है, इसमें भी कुछ दुकानें जो है खुली है। और अब हम आते हैं आगे की तरफ, देखते हुए चलते हैं। मेरा जो पूरा मोटिव है ना वो ये कि आप लोगों को ना मार्केट दिखाऊं कि कैसा खुल रहा है मार्केट, मतलब कि दुकानें जो है वो OD1 के हिसाब से खुल रही है, बट मार्केट में भीड़ नहीं है क्योंकि बाहर से आना जाना नहीं है, नहीं तो ये सब जगह जो है वो चलने की जगह नहीं होती थी। है थोड़े से आगे की तरफ आ चुके हैं, तो इधर का जो शॉप है वो ज़्यादातर बंद ही है। अच्छा, ये जो है देखिए गांधीनगर का गली है, अब आपको जो है लगेगा कितना परसेंट दुकान जो है ओपन है या फिर जो है क्लोज है। लोकल व्यापारी हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन जो बाहर के हैं वो ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं, बच्चों के जो है जीन्स का, शर्ट का, बड़े के जींस का, कुर्ती का, टॉप का, इस तरह के जो है। ट्रस्टेड शॉपकीपर का जो है नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके जरिए आप PDF मंगा के देख सकते हैं। अब इस गली में मैं इस तरफ मुड़ा हूँ, भीड़ जो है मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, शॉप जो है देखिए ऑफ ऑफ ही दिखाई दे रहा है, जो फ्रंट के हैं वो कुछ खुले हुए हैं, बाकी सब ज़्यादातर ऑफ ऑफ ही हैं। और इसे जो है तिकोना पार्क कहा जाता है, ठीक है ना, आपको आइडिया लग ही रहा होगा यार कितना भीड़ है। ठीक है, बच्चों के शर्ट और बच्चों के जींस के लिए जो है इस दुकान को चुन सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं अशोक गली का भी हालत। ये है सरस्वती भंडार गली, इस गली में भी काफी रस हुआ करता था किसी समय पे। नया बाजार का मार्केट का जो है हाव भाव देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ ही दुकानें खुली हैं, काफी सारी दुकानों पे जो है मास्क भी बिक रहे हैं।
और ये गली जो है ये हनुमान मंदिर वाली गली है, तो देख सकते हैं इस गली में भी जो है लगभग शॉपें जो है वो बंद है। तो ये जो है देख चुके हैं गांधीनगर का मेन रोड, लगभग जो है आपको मार्केट का आइडिया जो है वो मिल चुका होगा। कुछ दुकानदार का नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे कि जीन्स शर्ट, बच्चों के जो है शर्ट, बच्चों के पैंट, कुर्ती, प्लाजो, टॉप, बाबा सूट, तो ये सब के लिए जो है ना आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से ना आप जो है PDF मंगा के देख सकते हैं। तो मुझे लगता होगा इस छोटी सी वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर वाकई में मिली है तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भैया कंपलसरी है। जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।